एवरीवन, आज हम लोग क्लास इंटरमीडिएट के शॉर्ट स्टोरी का पहला चैप्टर द गोल्ड वॉच पढ़ेंगे, जो पंजीकारा रफ़ी के द्वारा लिखित है। ये एक गरीब व्यक्ति शंकु की कहानी है, जो एक फैक्ट्री वर्कर था जिसकी परेशानियां बहुत ज़्यादा थी। तो उसने अपनी बॉस की सोने की घड़ी चुराने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल हुआ या नहीं हुआ, आइए हम स्टोरी में देखते हैं। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट, पिछली कई रातों की तरह, शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप, शंकु सो नहीं सका दैट नाइट, मैंने उस रात को भी। ही टर्न एंड टॉस्ड इन हिज बेड, वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, बट इट वॉज़ नो यूज, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं था। द मोर ही थाट, जितना ज़्यादा वह सोचता था, द वर्स ही फेल्ट, उतना ही ज़्यादा बुरा महसूस करता था। ही क्लोज हिज आइज, उसने अपनी आँखें बंद की, एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट, और अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। इन द डार्कनेस, मैंने अंधकार में, एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, लेकिन फिर भी वो उसको घड़ी, इट का मतलब है घड़ी से है, इतना स्पष्ट दिखाई दे रही थी जितना कि दिन के दौरान। द डिजर्टेड ऑफिस रूम, वही ऑफिस का सूना साना कमरा। व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट फॉर द लंच, जब लंच में सभी लोग रेस्ट के लिए गए हुए थे। द ग्लास विंडो वॉज ओनली पार्टली क्लोज्ड, शीशे की खिड़की हल्की सी बंद थी। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, टेबल के एक किनारे पर, इनसाइड वर अ फ्यू वेट वॉल्यूम्स, मोटी मोटी किताबें रखी हुई थी। एट द अदर एंड, दूसरी ओर, एक पेन रखा हुआ था, एक बोतल, एक स्याही की बोतल रखी हुई थी, एंड सो फोर्थ, और इसी तरह कुछ और सामान रखा हुआ था। एंड इन बिटवीन वॉज ए गोल्ड वॉच, उसी के बीच में सोने की घड़ी रखी हुई थी, विथ इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन ए बुक, जिसकी चेन सोने की थी, वो एक किताब पर रखी हुई थी। ओपन द विंडो, खिड़की को खोल करके, एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड, और अपने हाथों को आगे बढ़ा करके, अबाउट ए फुट, मैंने लगभग एक फुट, एंड यू कैन पिक इट अप, आप इसको उठा सकते हो। एवरी वन इज़ आउट ऑफ फॉर लंच, हर व्यक्ति लंच पे गया है। नोबडी विल न्यू, कोई जान नहीं पाएगा। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट, शंकु ने अपने प्रयासों को याद किया, हिज एफर्ट्स, अपने प्रयास को याद किया, हिज कवर्डिस, अपनी कायरता को याद किया, एंड हिज वैसिलेशन, और अपनी हिचकिचाहट को याद किया। द ड्यूरिंग द फिस्ट पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों के दौरान, शंकु पिछले कुछ दिनों के दौरान से अपनी हिचकिचाहट, अपनी कायरता और अपने प्रयासों को याद कर रहा था। ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट द टाइम, उसने उस समय वहाँ पर किसी को नहीं देखा था, एंड येट ही हैड बीन अफ्रेड, लेकिन फिर भी वह डरा हुआ था। ही हैड ट्रेम्बल्ड, वह काँप रहा था, एंड फेल्ट ब्रीथलेस, और सांसहीन महसूस कर रहा था। दैट वाज व्हाई, यही कारण था, ही हैड रिफ्रेंड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, उसने हर बार अपने आप को घड़ी लेने से रोक रखा था। इट वुड डू नॉट पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, लेकिन वो इसको कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं टाल सकता था। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, यदि और ज़्यादा सोचता, ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनी थिंग, तो वह कुछ करने के योग्य ना होता। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन, उसने अपने इरादों को एक्सीडेंटली, मैंने तुरंत ही पक्का किया। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसलिए वह कल उसे हौसले लेगा। सपोज ही डिड नॉट, मान लो वो नहीं ले पाया। शंकु थॉट बिगन टू लिंगर ओवर द थ्रोनी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ, शंकु के विचार अपने जीवन की कटीली कठिनाइयों पर आकर टिक गए, लिंगर मैंने ठहर गए। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कल महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर थ्री डेज, अगले तीन दिनों में, ही वुड गेट हिज पे, उसे उसकी तनख्वाह मिल जाएगी, 13 rupees फॉर 13 days, 13 दिन के 13 rupees। ही हैड टू 4.5 rupees फॉर परचेज एट द स्टोर, उसे 4.5 rupees दुकान पर खरीदारी के चुकाने हैं। देयर वुड बी बैलेंस ऑफ 8.5 rupees, उसके पास 8.5 rupees बैलेंस बचेगा। ही हैड रीपेड ओनली 5 out of 10 rupees, उसे 10 rupees में से 5 rupees चुकाने हैं। ही हैड बोरोड फ्रॉम द फंड, जो उसने फंड से उधार लिया था द प्रीवियस मंथ, उन्होंने पिछले महीने, टू गो होम फॉर द मदर्स डेथ एनिवर्सरी, क्योंकि उसे अपनी माँ की वर्सी पर जाना था। नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 rupees, नहीं उसे बचा हुआ भी 5 rupees चुका देना चाहिए, विथ इंटरेस्ट एट 6 paise rupees अभी, क्योंकि एक सप्ताह में 1 rupee पर 6 paise उसे ब्याज पड़ जाएगा। एट द टी शॉप, चाय की दुकान पे, ही ओव्ड ओवर 3 rupees फॉर 2 weeks, पिछले 2 सप्ताह से वह 3 rupees से ज़्यादा उधार ले चुका था। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू बी 1.5 rupees, 1.5 rupees पहले का बकाया था। ही ओव्ड 6 rupees टू अली, उसने 6 rupees अली से ले रखे थे फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, क्योंकि उससे अतिरिक्त चावल चाहिए था, बीड़ी चाहिए थी, एंड अदर ऑड्स एंड एंड्स, और कुछ दूसरा सामान चाहिए था।
वन मंथ हाउस रेंट एक महीने का घर का किराया था वास 3 रुपये 3 रुपये। एड एडसन टू दिस सम्स इन पैसों के अतिरिक्त ही हैड टेकन ए स्मॉल लोन ऑफ 12 पैसे। उसने 12 पैसे का लोन, 25 पैसे का लोन एंड 50 पैसे का लोन सेवरल पीपल कई लोगों से ले रखा था। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 डेज बिफोर उसकी पत्नी 2 दिन पहले उसे याद दिलाया था अबाउट द 1 रुपी टू बी पेड टू फिस वोमैन की 1 रुपये मछुआरे को भी चुकाना है। शंकु मेंटली एडेड अब द टोटल अमाउंट। शंकु ने मानसिक रूप से सारा अमाउंट टोटल किया दैट ही नीडेड जो उसे ज़रूरत थी। वाट ही वॉज गोइंग टू गेट वॉज जस्ट 8.5 रुपीज़ जबकि उसे 8.5 रुपये केवल मिलने जा रहे थे। वट ही ओब्ड वॉज 22 रुपीज़ 13 पैसे जबकि उसका कर्ज 22 रुपये 13 पैसे था। ही हैड अदर नीड्स टू उसकी दूसरी भी ज़रूरतें थी। ही हैड बारोड 3 रुपीज़ फ्राम हिज ओन वाइफ उसने अपनी 5 रुपये ही हैड बारोड 3 रुपीज़ फ्राम हिज उसने 3 रुपये अपनी पत्नी से उधार ले रखा था। दिस वॉज आउट ऑफ द सम ये वो पैसा था। सी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन जिसे उसने धीरे धीरे जब कब बचाया था इन ऑर्डर टू बाई ए वेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड इसके कि वह छोटे बच्चे के लिए कमर की चेन खरीद सके। ही हैड एश्योर्ड हर उसने उसे विश्वास दिलाया था दैट ही वुड बाई इट कि वह उसे खरीद देगा आउट ऑफ इस पे दैट मंथ जब इस महीने उसकी तनख्वाह मिल जाएगी। शंकूज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट शंकू की हृदय की धड़कन तेज हो गई। दो हिज हार्ट बीट्स थ्रू हिज हार्ट बीट्स अपनी हृदय के धड़कन के दौरान ही कुड हियर द हर्स वॉइस ऑफ टी शॉप ओनर कौचनी उसने कौचनी जो चाय विक्रेता था उसकी कर्कश आवाज़ को सुन सका। अलीज हालो लाफ्टर अली की ठाकर आके हंसी सुन रहा था एंड वल्गर वर्ड्स उसकी गाली देने के शब्द सुन रहा था एंड इरीटेटिंग टॉक ऑफ लेनोप्पा और चिड़चिड़ी बातें याद कर रहा था लेनोप्पा की हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड इसने उसने फंड से उधार लिया था। ही फेल्ट दैट वह महसूस कर रहा था दे वर ऑल सराउंडिंग्स हिम लाइक राउडी बॉयज वे उससे आवारा लड़कों की तरह घेरे हुए हैं। आर्म विथ स्टिक्स अपने हाथों में डंडे लिए हुए हैं गैदरिंग अराउंड ए स्ट्रे डॉग और शिकारी कुत्ते की तरह उसको घेरे हुए हैं। व्हाट ए हॉरिबल सीन कितना डरावना दृश्य था। फाइंडिंग इट अनबियरेबल इस चीज़ को सहनशील पा करके शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टमक शंकु अपने पेट के बल लेट गया एंड थॉट और सोचने लगा आई हैव नो अल्टरनेटिव मेरे पास कोई विकल्प नहीं है बट टू पिक इट अप टुमारो बल्कि इसको कल चुराने के। विल इट नॉट फीच एट लीस्ट 22 रुपीज़ 20 रुपीज़ कम से कम इस घड़ी से उसे 20 रुपये मिल जाएंगे इवन 15 विल डू अगर 15 मिल जाएंगे तो काम चल जाएगा। 15 + 8.5 15 और 8.5 दैट इज़ द 23.5 रुपीज़ इस तरह उसके 23 रुपये और 23.5 रुपये हो जाएंगे। इट विल फिच मोर देन 15 हो सकता 15 से ज़्यादा मिल जाए। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेब्ट्स वह अपना कर्ज चुकाने के योग्य हो जाएगा एंड लिव इन पीस और शांति से रहेगा। अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स एक कर्ज से मुक्त जीवन विथ अ फीलिंग ऑफ रिलीफ इसी राहत के सांस के साथ ही ही ड्रिफ्टेड इनटू लाइट स्लीप हल्की नींद में सो गया। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।